चलो तो हजार करना जो खाने का बगैर खाने यार यहाँ ना यार आप भी खिलाओगे हाँ जी सामने देना थैंक यू सो मच टीचर्स पेरेंट्स एंड प्रिंसिपल सर कितने परसेंट मार्क्स आए आपके 96.4 इसका श्रेय किसे देना चाहोगे प्रिंसिपल सर टीचर्स एंड पेरेंट्स दीप कौर कितने मार्क्स आए आपके 96.2% किसको श्रेय देना चाहोगे कितना मार्गदर्शन मिला पेरेंट्स का और अध्यापकों का अध्यापकों का तो बहुत ज़्यादा रहा है और पेरेंट्स का भी देना चाहते हैं हम लोग और ज़्यादा तो हम अपने प्रिंसिपल सर टीचर्स और बस उनके दो साल स्कूल भी बंद भी रहे कितनी परेशानी आ रही थी पढ़ने में परेशानी तो वैसे तो बहुत थी लेकिन हमारे प्रिंसिपल सर ने तब भी हमें एक्स्ट्रा क्लासेस लगवाई ऑनलाइन क्लासेस भी हमारी रेगुलर चल रही थी तो उसकी वजह से कोई परेशानी नहीं आई हमें वेरी हैप्पी टूडे आई गॉट 476 मार्क्स आउट ऑफ 500 आई वॉन्ट टू ऑल द क्रेडिट ऑफ माई अचीवमेंट टू माई लवली प्रिंसिपल सर टीचर्स पेरेंट्स हमारे सर ने हमारे जितने की मेहनत हमने की बट उससे भी ज़्यादा मेहनत हमारे प्रिंसिपल सर ने की बिकॉज कि वो लॉकडाउन में आके घर पे हमें आके उन्होंने होम प्रोवाइड भी किया हमें बहुत ही मेहनत के लिए स्पेशली थैंक्स टू माई प्रिंसिपल सर तो पहला आदरणीय सनशाइन सेकेंडरी स्कूल सीरबला ये प्रिंसिपल साहब मैडम साहब और पूरा टीचर स्टाफ मैं स्कूल बंद होंदे होया भी इन्होंने ऑनलाइन क्लास चलाई बच्चों की पढ़ाई वास्ते बड़ी दिलचस्पी ली इन्होंने स्कूल खुलने के बाद भी इन्होंने डबल टाइम लिया क्लास का बच्चों भी ओवर टाइम दिता जिहदे कारण इन्हें जिहड़ी मेहनती रंग लाई सब तो टॉप ने 97% 4 और सब तो डाउन है 73% और सभी बच्चे अच्छे नंबर लेकर पास हुए हैं मैं पूरे स्टाफ को प्रिंसिपल साहब को मैडम जी को बहुत बहुत मुबारक देता हूँ आई हैव गॉट 95.2% एंड मार्क्स इज 476 मैं अपना श्रेय अपने टीचर्स अपने पेरेंट्स प्रिंसिपल सर प्रिंसिपल मैम एंड ऑल ऑफ यू ऑल द स्टाफ हेयर पहले तो पेरेंट्स को और टीचर्स को जिनकी मेहनत से आज रिज़ल्ट मतलब सदा की तरह अच्छा रिज़ल्ट आया है
और 97.4 जो हाईएस्ट प्रभजोत कौर है सीर से, उन्होंने लिए हैं। निकिता चौधरी है, मनदीप सेकंड नंबर पे मनदीप है। मतलब इसी तरह से जो 90 प्लस जो बच्चे हैं, 90 से ऊपर जो बच्चे गए हैं वो 15 बच्चे हैं, 15 बच्चे हैं, जो सारे के सारे 31 बच्चे थे टोटल। तो 31 में से सभी ने 80 से ऊपर ही, एक बच्चा है 73 वाला, बाकी सभी ने 80 से ऊपर ही मार्क्स लिए हुए हैं। तो मैं सभी बच्चों को, उनके पेरेंट्स को, अपनी ओर से, मैनेजमेंट की ओर से मुबारकबाद देता हूं, जिन्होंने इतने अच्छे बच्चों को अपना रख रखाव और पढ़ाने की ओर ध्यान दिया। स्कूल ने तो मेहनत किया ही किया, पेरेंट्स भी इसमें हमारे साथ पूरा कोऑपरेट करते हैं, और टीचरों की जो लगन थी, जो मेहनत टीचर्स ने किया है, इससे हम लोग मैनेजमेंट जो है खुश है और सभी को मुबारकबाद देते हैं। दो साल स्कूल बंद भी रहे, कितनी चुनौती थी विद्यार्थियों को पढ़ाने की? चुनौती बहुत सारी थी, लेकिन हम लोगों ने ऑनलाइन अपनी तरफ से बेस्ट दिया है। पेरेंट्स भी सेटिस्फाई हैं कि स्कूल ने जो ऑनलाइन दिया है वो अच्छा तरीके से दिया हुआ है, और बच्चों ने भी उसमें मेहनत की है। तो हमें ऑनलाइन से कोई, स्कूल ऑफलाइन या ऑनलाइन में कोई फ़र्क नहीं पड़ा, हम लोग किसी ना किसी तरीके से बच्चों को देखते रहे और पढ़ाते ही रहे। थैंक यू। अच्छी हो रही है, हमारा रिजल्ट जो है हर साल की तरह 100% रहा है। और इतनी मुश्किलें, मतलब कोरोना का टाइम था तो बहुत सारी डिस्टर्बेंस हुई बच्चों को, और ऊपर से इस बार जो है पेपर का पैटर्न भी चेंज था, तो हमारे लिए भी जो डिफ़िकल्टी थी कि पता नहीं किस तरह का पैटर्न होगा, बच्चे कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, लेकिन बच्चों ने बहुत अच्छा करके दिखाया और बहुत अच्छा रिज़ल्ट जो है हमें दिया है, और हमें बहुत खुशी है। हमारे स्टाफ मेंबर ने भी काफ़ी सारी मेहनत की है बच्चों के साथ, और साथ साथ पेरेंट्स का भी काफ़ी सारा सहयोग है, क्योंकि एक से तो सफलता मिलती नहीं है, तो ये ट्राइपोलर प्रोसेस है, तो इसमें तीनों ने बड़ी मेहनत की है, तभी जाकर 100% जो रिज़ल्ट जो है आता है। तो हम बहुत खुशी है आज, तो खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं है।